संपूर्ण भारताला मोठा धक्का देणारी बातमी। पॅरिस ऑलिम्पिक मध्ये भारताला सुवर्ण पदकाची सर्वाधिक अपेक्षा जिच्याकडून लागून राहिली होती ती कुस्तीपटू विनेश फोगट ऑलिम्पिक मधून अपात्र झाली आहे। अंतिम सामन्यापूर्वी विनेश फोगटचं वजन अधिक आढळल्यानं विनेश फोगटला अपात्र घोषित करण्यात आलंय। भारताच्या ऑलिम्पिक मिशनला यामुळे मोठा धक्का बसलाय आणि भारतानं या निर्णयाचा कडाडून विरोध केलाय। विनेश फोगाट यांच्या सासऱ्यांनी नेमक्या काय प्रतिक्रिया दिल्यात त्याही आपण जाणून घेऊया। ये तो जी पूरा प्योरली बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, ये आपको पता है, हमको पता है, पूरे देश को पता है, ये सारी राजनीति खेल हो रहे हैं। अभी आप ये बताओ 100 ग्राम वजन का कोई ज्यादा वजन है? 100 ग्राम वजन 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। पर सर ये तो ओलंपिक का नियम है ना, इसमें अब क्या किया जा सकता है? ये षड्यंत्र है मैडम, षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र। किसका षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सरकार मिली है, इसके अंदर सरकार का बिल्कुल स्पष्ट हाथ है, इसमें ब्रजभूषण और सरकार बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल 100% मिली हुई है। आप मेरे बताइए 100 ग्राम वजन कितना ज्यादा होता है? 100 ग्राम में तो एक बनियान निकाल दिया, 100 ग्राम वजन कम हो गया, पूरा हो गया। सर के बाल कटा दिया, आप हेयर कटा दिया, 100 ग्राम वजन जो पूरा हो गया। सर मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ बिल्कुल रही हूं। सर आप समझते हो इस बात को, 100 ग्राम वजन कितना ज्यादा होता है? पर सर आप भी समझते हैं इस बात को, आपके तो परिवार में सारे जो हैं वो पहलवान हैं, कुश्ती के जो नियम होते हैं और ये कितने सख्त होते हैं सर, और ऐसे में 100 ग्राम वजन जो है वो कितने मायने रखता है। और अभी एक और पूर्व रेसलर पूजा से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि कई बार ना वजन अड़ जाता है, तो ये हो जाता है बस, मतलब नजर लगने वाला मामला ये लग रहा है सर, षड्यंत्र नहीं शायद नजर लग गई हम ही लोगों की। आप मेरे को ये बताओ 100 ग्राम सिरके तो हेयर है, अगर हेयर कटा दे तो 100 ग्राम वजन पूरा हो गया आपका? 100 ग्राम वजन तो हेयर में होता हुआ ना? क्या कह रहे हैं सर, जरा दोबारा बोलिए। वजन जो सर के बाल हैं अगर आप इनको कटवा दोगे तो 100 ग्राम वजन पूरा हो गया कि नहीं हो गया आपका? होगा ना? तो फिर इसका अगर उनको ये बता रहे 100 ग्राम वजन आपका ज्यादा है और आप इसको हम आपको बार कर रहे हैं तो आप उसके बाल कटवा देते हुए। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि जो सपोर्ट टीम था साथ में वहां पर विनेश फोगाट के, उसने मदद नहीं की, उसने ये साजिश बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी, सब पूरा स्टाफ मिला हुआ है, पूरा सब कुछ फेडरेशन मिली हुई है, ये शुरू से षड्यंत्र चल रहा था और इस षड्यंत्र में रचने में कामयाब हुई। कोई अपनी पसंद का अपने साथ लेकर गई थी सपोर्ट स्टाफ में विनेश फोगाट या नहीं, जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से ही तय किया गया? अलाउ नहीं किया गया उसके अंदर, पेडियों के अंदर जो भी साथ में गया है उसको अलाउ नहीं है अंदर जाना। आपकी बात हुई विनेश से या परिवार में किसी और की बात हुई विनेश से अभी? किसी से कोई बात नहीं हुई जी, हमारा हम तो टीवी पर देख रहे हैं, आपकी आपसे मैसेज मिला है टीवी से देख रहे हैं, जो भी है वो फोन आप के माध्यम से पता चले हमने तो। पर विनेश तो खुद इतने समझदार हैं और जैसे कि आप कह रहे हैं कि साजिश हो गई, अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं वो भी पहले से सतर्क होंगी, तो अपने साथ वो साजिश क्यों होने देंगी, वो खुद भी तो देख रही होंगी वेइंग मशीन पर कितना वजन उनका है। विनेश ने बार बार बोला है मेरे साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, मेरे साथ षड्यंत्र रचा जाएगा और वो प्रूफ हो गया अभी, बार बार विनेश ने बोला है, उस नेशनल में बोला है, नेशनल जयपुर में वहां बोला है, उसमें पटियाला में वहां बोले, उसके बाद में बोले मेरे साथ में षड्यंत्र रचा जाएगा और वो प्रूफ हो गया अभी, बिल्कुल प्रूफ हो गया वो। तो आप कह रहे हैं कि विनेश के साथ जो हुआ वो दरअसल उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल आवाज उठाने जी, बिल्कुल फेडरेशन के खिलाफ, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता है पूरे देश को पता है, अभी लोग इकट्ठे होने लगे हैं, रोड जाम करेंगे लोग और तोड़फोड़ होगी, इसका हम जवाबदार नहीं होंगे बिल्कुल भी, हम अपने घर के अंदर हैं, बाहर का क्या होगा क्या नहीं, हम बिल्कुल भी इसके कोई वो नहीं होंगे जी। आप कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं आप अभी? मैं सर गोदाम हूँ जी। तो ये तो फिर अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये तो आपके खिलाफ जाएगी। तर राजपाल राठी यांनी ब्रजभूषण सिंह यांच्यावर देखील आरोप केलेले आहेत, सगळी सिस्टीम मिळालेली आहे आणि त्यांनीच षडयंत्र रचल्याचा आरोप विनेश फोगाटचे सासरे राजपाल राठी यांनी केलाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।